हेलो एंड वेलकम गाइस। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है भामाशकार पर। दोस्तों घबराना नहीं है, वैलिडिटी खत्म हो गई है, लेकिन घबराना नहीं है, इलाज वैसे ही जारी रहेगा और सरकार पैसे भी भरेगी। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, पर्वतीय भामाशाह कार्ड योजना के अंतर्गत मरीजों को मेडिकल फेज टू की अवधि 12 दिसंबर आधी रात से खत्म हो जाएगी और गुरुवार से ही सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। हालांकि मेडिकल बीमा कंपनी के चयन की डेटा बीट 17 दिसंबर को खोली जानी है और चयन प्रतिक्रियाधीन है, पर सरकार ने अगले 3 माह या नई कंपनी के चयन तक मेडिकल का भुगतान पूर्व की व्यवस्था के अनुसार ही जारी रखने के लिए खुद के स्तर से क्लेम का पेमेंट करने का फैसला किया है। इसके लिए थर्ड पार्टी एडमिनिस्टर के अंत में स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी का चयन बुधवार शाम किया गया है। अब यही एजेंसी अगले आदेश तक बीमा क्लेम की राशि पास करेगी। किसी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज का बीमा क्लेम पर्वतीय व्यवस्था से पास किया जाएगा। यह जानकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और एजेंसी एस हेल्थ रोहित कुमार सिंह ने दी है। मंत्री ने बताया कि योजना के निर्बोध संचालन के लिए वर्ष 2018-19 की बीमा अवधि को अगले 3 महीने अथवा नवीन बीमा कंपनी के चयन तक बढ़ाया गया है और योजना से जुड़े सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं पूर्व की भांति ही जारी रहेगी। और दोस्तों अगर भामाशाह कार्ड से जुड़ी और भी न्यूज हुई तो मैं आपको दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों